सिलवानी में रेत का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए 10 से ज्यादा ट्रकों और डंपरों को जब्त किया है। राजस्व व पुलिस विभाग के द्वारा अवैध रेत परिवहन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत रेत से भरे 10 से अधिक डंपर व ट्रक पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने के सामने खड़े कराया गया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे वाहनों को रोककर रॉयल्टी चेक की गई। हालांकि सभी वाहन चालकों के पास रॉयल्टी पाई गई, लेकिन ओवरलोड रेत भरी होने के कारण कार्रवाई के लिए थाना परिसर में खड़े कराए गए। राजस्व व पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत 14 व ट्रक व डंपरों को थाने परिसर में खड़ा कराया गया और कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सुपुर्द किया गया। इंडिया फर्स्ट न्यूज के लिए सिलवानी से शिव कुमार रघुवंशी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।